नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने कहा कि पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो कई बड़ी बातें आज सीएम भजनलाल ने कही है। महिला अत्याचार को लेकर के ऐलान किया है, एसआईटी का गठन होगा, ये उनके तरफ से कहा गया। अपराधियों को सख्त मिलेगी। सीएम भजनलाल की पहली पीसी और पेपर लीक से युवाओं का मनोबल टूटा है। पेपर लीक के गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सीएम भजनलाल की तरफ से कहा गया। उन विषयों को भी लेना चाहेंगे जिनसे जनता त्रस्त थी। किसी भी कीमत पर महिला बालिका अत्याचार नहीं सहन किया जाएगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन, और देखिए लगातार अब एक्शन मोड में सीएम भजनलाल आपको नजर आएंगे, क्योंकि आज पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें सीएम भजनलाल ने कही है। पेपर लीक का मुद्दा जो राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, उसको लेकर के सीएम भजनलाल ने ये कहा है कि एसआईटी का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी बातें आज अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, और आने वाले दिनों में कई बड़े एक्शन लिए जाएंगे। लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, अंतिम पायदान तक योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि पेपर लीक से युवाओं का मनोबल टूटा है, पेपर लीक के गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा, और एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने चुनाव लड़ा, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी हमारा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को भी हम पूरी तरह से पालना करते हुए आगे काम करेंगे। मैं उन विषयों को भी धीरे धीरे हम लेना चाहेंगे जिनसे राजस्थान की जनता त्रस्त थी। हम उन विषयों को भी लेना चाहेंगे जिन विषयों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के उस अंतिम व्यक्ति के पायदान के लिए, उस अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए, उस अंतिम व्यक्ति की अभिभूति के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उन विषयों को भी हम लेना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है पूरे देश के अंदर, हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है, इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की, और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी।
क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन्होंने किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सीएम भजन लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही हैं, वो हम आपको बता दें। पहली बात जो उनकी तरफ से कही गई, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू, अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। पेपर लीक से युवाओं का मनोबल टूटा है, पेपर लीक के गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू। और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर महिला बालिका अत्याचार सहन नहीं होगा, महिला सुरक्षा भ्रष्टाचार उन्मूलन प्राथमिकता रहने वाली है। तो कई बड़ी बातें आज सीएम के तरफ से कही गई। तो राजस्थान को आज अपना 14वां मुख्यमंत्री मिल गया और भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान सीएम के शपथ ग्रहण से लेकर पदभार ग्रहण तक कई रोचक तस्वीर भी दिखी हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने 55वें जन्मदिन पर 15 दिसंबर को शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल हुए। साथ ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत ने मंच पर आते ही वहां पर पहले से मौजूद भाजपा के नेताओं के पास जाकर मुलाकात की। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। लेकिन समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंच पर कुर्सियों की पंक्ति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चेयर एक साथ लगी थी। पहले गहलोत बैठे थे, फिर शेखावत। इस दौरान न सिर्फ वे एक दूसरे से बात करते नजर आए बल्कि ठहाके लगाते हुए भी दिखे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि दोनों में आखिर बातचीत क्या हुई। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। वहीं इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम भजन लाल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मौका था सीएम भजन लाल के पदभार का। सचिवालय में राजस्थान बीजेपी से लगभग हर चेहरा मौजूद था और सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद सभी नेता उन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके पास आती है और उन्हें मिठाई खिलाती है और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी देती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे सचिवालय में हंसी के ठहाके लगने लगे। एक बार आप भी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। पूर्व सीएम के मजाकिया लहजे को देखकर आपकी भी हंसी छूट ही जाएगी। इसके पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के पदभार ग्रहण के दौरान भी कुछ नया देखने को मिला। सचिवालय में बैरवा ने विधिवत पूजा पाठ के साथ पदभार संभाला। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था। पदभार संभालने के बाद बैरवा को उनके परिवार ने गुड़ खिलाकर शुभ काम की शुभकामनाएं। अब बात एक और रोचक तस्वीर की और बात बर्थडे बॉय यानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल के जन्मदिन के जश्न की। पदभार संभालने के बाद सीएम सचिवालय से बाहर निकले जहां उनके साथ लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही।
दिग्गज बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा ने केक काटा और अपने जन्मदिन के मौके पर मिले इस खास तोहफे और जनता के अपार प्यार का धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। शर्मा के अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने भी सचिवालय पहुंच करके अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। ये मौका था सीएम भजनलाल के सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभालने का। बीजेपी के कई दिग्गज वहां मौजूद रहे। हर कोई सीएम भजनलाल को मुबारकबाद दे रहा था। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ सीएम भजनलाल गाड़ी में सवार होकर सचिवालय पहुंचे, जहां पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करवाई। सिद्धि सिद्धि सहिताम श्री गणेशाय नमः। गौरी परमात्मी मेघा सुमित्री देव सेना सदा लोक मात्रा गतिम पुष्टि मात्मनाम कुल देवताम सरस्वत मातृका भ्रो नमः। सद्गत मातृका भ्रो नमः। नव दुर्गे नमः। कुल देवी नमः। इस दौरान हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सीपी जोशी, किरोड़ी लाल मीणा ठीक उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस शुभ घड़ी के गवाह बने। राजवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान वहाँ मौजूद थी। अंदर किस तरह से करवाया अपने पदभार ग्रहण, क्या कहा, किस तरह का पदभार? शांति पाठ से और सारे मंत्रों की पूजा करा के और अभिषेक किया। क्या मुहूर्त देखा गया था, खास उसकी डिटेल बताइए। चार बजे से और कौन कौन लोग मौजूद रहे, किस तरह से थे, सारे अधिकारी थे जी। और तो क्या खास बात थी इस मुहूर्त के बारे में, थोड़ी जानकारी? मुहूर्त अभी चंचल क्या है, बढ़िया जी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू होता है बधाई देने का सिलसिला। फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया जाता है। सभी लोग बेहद खुश दिखे। प्रदेश के मुखिया भी खुशी से गदगद थे। एक एक कर वहां मौजूद लोग उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आए। हाथों में हाथ लेकर शुभकामनाएं देते हुए भी दिखाई दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उन्हें एक भेंट दी। लेकिन सबसे यादगार रहा वो पल जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सीएम भजनलाल शर्मा को शुभकामनाएं देने पहुंची थी। उनके इस अंदाज ने सबको ठहाका लगाने पर मजबूर कर दिया। सीएम भजनलाल भी काफी देर तक उनके मजाकिया लहजे पर हंसते दिखाई दिए। सीएम की ताजपोशी का दिन बेहद ही खास था। वजह थी उनका जन्मदिन। पदभार संभालने के बाद सीएम भजनलाल ने केक काटने की रस्म अदा की और इसके बाद सीधे वो पहुंचे उस कमरे में जहां दिया कुमारी का पदभार कार्यक्रम चल रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भी बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर 0 है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है, हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की, तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई, राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुँचाने का काम, ये सब चीज़ें करने का काम, यही हम लोगों के लिए सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पे हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। भजनलाल शर्मा से पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी सचिवालय में पदभार संभाला, लेकिन उससे पहले उन्होंने भी विधिवत पूजा अर्चना की। साधारण परिवार है और एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का नीति और नीति से काम करना सीखा है और उस नीति और नीति पे काम, तब चुनाव से पहले का एक नजारा था, एक बार में कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है, कुछ बदला हुआ राजस्थान नजर आएगा
बिल्कुल है। राजस्थान जब जब भी कांग्रेस सरकार रही है राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया, जब भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है एक विजन के साथ काम करती है। जब मैं 2018 तक जब एमएलए रहा था माननीय मंत्री राहुल की सरकार की और उनकी एक एक योजना आज भी उनके गौरव पर याद दिलाती है। उनके हर स्कूल हर पंचायत से बहरहाल ताजपोशी हो चुकी है इनकी। सीएम और डिप्टी सीएम ने कार्यभार संभाल लिया और अब शुरू होगी जंग जनता की उम्मीदों को पूरा करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।